नमस्कार साथियों, परिवर्तन आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बात करेंगे 17 जून 2018 के द हिंदू के। हालांकि आज एडिटोरियल तो नहीं आता, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आती एडिटोरियल फॉर्म में भी, ठीक है। तो हम उसको डिस्कशन करेंगे, पूरा न्यूज़पेपर स्कैन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। देखिए, सबसे पहले जो फ्रंट पेज पर फर्स्ट न्यूज़ है वो है राइजिंग कश्मीर के जो एडिटर थे सुजात बुखारी, आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें एक चीज़ खास है यहाँ पर इस चीज़ में, इस न्यूज़ में, वो ये कि डेडिकेशन कितना था इस न्यूज़पेपर का। वो ये बताता कि सिर्फ 9 घंटे उनके डेथ को हुए थे और अगला एडिशन उन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। ये कमिटमेंट जो होता है कि भले ही हमारे कुछ लोग, हमारे चीफ तक की हत्या कर दी गई हो, लेकिन ये न्यूज़पेपर नहीं रुकेगा और वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहेगा। ये एक मैसेज होता है उन मिलिटेंट्स को, उन आतंकवादियों को, कि आपकी धमकी और आपकी वॉयलेंस से, आपकी हत्याओं से पत्रकारिता, वास्तविक पत्रकारिता रुकने वाली नहीं है। ये होता है ट्रू जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं। तो एक मैसेज था एक तरीके से। तो इसमें बस इतना ही है, कोई मतलब ये नहीं कि यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बड़ा ही इन्फॉर्मेशन हो या किसी भी एग्जाम की, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से कमिटमेंट हो सकता है, डेडिकेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये वाली न्यूज आप यहाँ देखेंगे, पाकिस्तान के फ्लैग, आईएसआईएस का ये फ्लैग दिखाई दे रहा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी रमजान के बाद इस बात पर आज चर्चा होगी, क्योंकि ईद समाप्त हो गई है, कि इनके विरुद्ध ऑपरेशन जो ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब है कि हर मिलिटेंट को ख़त्म किया जाए, उसको लॉन्च फिर से किया जाएगा। अभी हाल ही में इंडियन सोल्जर औरंगजेब, जो जम्मू एंड कश्मीर के थे, उनको वहाँ के मिलिटेंट्स ने उनकी हत्या कर दी जब वो ईद के लिए लौटने ही वाले थे। तो उनके फादर साहब ने एक मैसेज दिया था कि उनका लड़का कंट्री के लिए, इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया, तो उनको प्राउड है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ डू नॉट स्टॉप दीज ऑपरेशन, इन ऑपरेशंस को रोकना नहीं है, बिकॉज और हमारे फैमिली से, हमारी गाँव से ऐसे ही आर्मी के लिए, देश को सर्व करने के लिए, देश के प्राइड के लिए वो आगे जाते रहेंगे, मिलिट्री में जाते रहेंगे। ये होता है ट्रू नेशनलिज्म, ये होता है। भले ही बिल्कुल ये दुख की घड़ी होती किसी परिवार के लिए कि उनका, उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन एक प्राउड मोमेंट भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका लड़का, उनका बच्चा इस कंट्री के लिए शहीद हुआ है, ठीक है। तो RIP औरंगजेब, एक औरंगजेब हम इतिहास में पढ़ते हैं और एक औरंगजेब अलग दृष्टिकोण में हमें दिखता है। तो नामों में मत अंतर, नाम एक हो सकते हैं लेकिन कार्य हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, चाइना हिट्स बैक विद टैरिफ ऑन US गुड्स। आप जानते होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके तहत अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया था कि 25% टैरिफ लगा दिया था चाइनीज गुड्स पर, चाइनीज जो वस्तु होती है। तो उसके बाद चाइना ने भी $50 बिलियन का अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगा दी। अब इन चीज़ों से है ना, एक तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाएगी UPSC के हिसाब से भी, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर WTO, TRIPS, ये सारे एग्रीमेंट एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, काफ़ी मायने रखेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इस ट्रेड वॉर का इंडियन इकोनॉमी पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, भले ही अब ना पड़े लेकिन कुछ दिनों बाद इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम कितना इस डाटा याद करें, लेकिन यहाँ कुछ वर्ड्स जैसे कस्टम क्या होता है या सीमा शुल्क क्या होता है, टैरिफ क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ड का यूज हुआ,
आपको बताना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हम बोलते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके तहत कौन कौन से राइट आते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, ठीक है, इस तरह पांच छह आपको सारे मेंशन करने हैं। देखिए ये लगभग 15,000 लोगों द्वारा, जो कि 12 इंडियन स्टेट से एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि हिमालयन कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की बोटल्स या चिप्स वगैरह के रैप्स या कागज वगैरह नहीं गिर जाते, वो जो टूरिस्ट आते तो उनको क्लीन करने के लिए कैंपेन सर इन 12 स्टेट्स के लगभग 50,000 बच्चों द्वारा ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसी के बारे में, और ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2018 की जो थीम थी इस बार वो थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, और इंडिया उसकी होस्ट कंट्री थी, ठीक है। तो ये न्यूज है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं 9th पेज पर, यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है नाबार्ड की, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक स्थापित किया गया था उसके बारे में उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि इस कंट्री के अंदर 10 क्रॉप्स जो है, ये फसल जो है उसके लिए पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न और वाटर अवेलेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिस्कस किया कि किस क्षेत्र में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, पानी की उपलब्धता कितनी है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, साथ ही साथ फार्मर्स को से क्या अचीव हो रहा है, इन सबको मिक्स करके एक तरीके से इंटीग्रेटेड या एकीकृत रिपोर्ट तैयार करी है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, टाइटल क्या गया, वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स, एक तरीके से मैपिंग करेगी मेजर इंडियन क्रॉप्स की, यानी मुख्य भारतीय फसलों की। 10 क्रॉप्स इन्होंने शामिल करी, राइस है, चावल है, वीट, गेहूं है, मेज है, मक्का है यहाँ पर, और तुर की जो दाल होती है, चना है, शुगर केन मतलब गन्ना है, कॉटन कपास, ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है, या बादाम को ही बोलता है लेकिन मूंगफली में आता है ग्राउंड नट, ठीक है। मस्टर्ड है, सरसों हो गई, पोटैटो मीन आलू हो गई, तो ये मेजर फसल यहाँ पर काउंट करेगी। और बताया गया कि 60% जो टोटल अमाउंट है इन फसल्स का कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, जितनी हम फसल प्रोड्यूस करते हैं उसका 60%। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 80% से भी ज़्यादा कंट्री के जो जल संसाधन उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे देश का कई हिस्सा, बुंदेलखंड, विदर्भ, तेलंगाना पठार, तेलंगाना प्लेटू, इनमें अब भी जो वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है, दबाव महसूस करते ये क्षेत्र, ठीक है, खासकर इरिगेशन सेक्टर में, इरिगेशन में सिंचाई नहीं हो रही। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि गन्ना जो है वो पानी की डिमांड करता है, और हम ऐसी जगह पर गन्ना प्रोड्यूस करेंगे जहां पर वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, तब एक किसानों के लिए भी नुकसानदेह है और इस देश के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फसल होगी नहीं, फसल होगी नहीं तो उनके ऊपर एक बार बढ़ेगा एडिशनल, एक तरीके से उस पर नुकसान भी होगा उनको। तो ये चीज़ें हैं इसमें, और बताया गया डिफरेंस बहुत है प्रोडक्टिविटी में राज्य से राज्य में, ठीक है। जैसे पंजाब के अंदर बात करें तो चावल 4 गुना ज़्यादा पैदा होता एक हेक्टेयर के अंदर झारखंड और छत्तीसगढ़ से, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर। दूसरी बात शुगर केन के बारे में बात करेगी, गन्ना में तो तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में 105 हेक्टेयर्स के और अप्रोक्सीमेटली जो है वो गन्ना पैदा होता, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में जो कि मतलब एक तरीके से पानी के गढ़ है, वहाँ पर एज कम्पेयर टू कम है। और एक बार UPSC ने सवाल ही पूछा था कि क्या रीजन है कि तमिलनाडु के अंदर शुगर केन इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, तो उसका रीजन यही था, एक तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, और यहाँ पर जो एक तो जो क्ले पैटर्न है, मिट्टी का जो सिस्टम है वो सुटेबल है तमिलनाडु के अंदर। उसके अलावा यहाँ का जो गन्ना होता है उसके अंदर रस ज़्यादा होता है, वो ड्राई नहीं होता, सूखता नहीं है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे उस समय भी, ठीक है। तो ये बताया गया डिफरेंस की एक एरिया में, अलग अलग एरिया में, जैसे राइस के बारे में बताया गया कि डिफरेंस पर हेक्टेयर एक तरीके से प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं, बस ये न्यूज थी इसके बारे में बताया कि प्रोडक्शन अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न या फसल चक्कर जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तब्दील हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी, फसल चक्कर और किसानों का संबंध एक दूसरे से किस प्रकार से, प्रोडक्टिविटी, इन चीजों का संबंध किस तरीके से है, ये इसमें सारी डिस्कशन की गई। ठीक है, देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट न्यूज है और हम इसको पढ़ेंगे, सेशल्स और इंडिया के बारे में है। देखिए सेशल्स जो है ईस्टर्न, एक तरीके से ये इंडियन ओशियन में आप देखेंगे और ये बिल्कुल ईस्टर्न एशिया के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में से एक आती है, काफ़ी ब्यूटीफुल एक कंट्री कह सकते हैं। और ये इसकी खास चीज़ ये है कि बहुत सी इंडियन कम्युनिटी के लोग जो पहले एंशियंट टाइम में इंडियन थे वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो अभी न्यूज़ क्या है, भारत ने एक आइलैंड प्रपोज किया था, ड्राफ्ट डील भी करी थी यहाँ से कि हम एक आइलैंड यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करेंगे जिसके माध्यम से सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी और एक तरीके से खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम जो समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, पायरेसी अथवा जो जलदस्यु होते हैं जो जल में इस प्रकार के जो शिप्स को बोट्स को चोरी करते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन सेशल्स ने ये डील कैंसिल कर दी, उसके पीछे कई रीजन्स थे। पहला रीजन ये था कि वहाँ की लोकल पब्लिक ये चाहती थी कि इस प्रकार एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा और सेशल्स जो है इंडिया और चाइना के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, अगर हम इंडिया को परमिशन देते हैं तो उससे हमारे चाइना के रिलेशनशिप पर इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, यहाँ के लोकल नहीं चाहते कि ये एक तरीके से अड्डा बन जाए, मतलब कंपटीशन का अड्डा जिस प्रकार से बनता है इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते थे वो। ठीक है, तो दो तीन रीजन थे जिनकी वजह से डील फाइनली कैंसिल कर देगी, हालांकि अभी इसको ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। तो हमारे अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 2015 में डील हुई थी उस समय प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वर्ड यूज़ किया था, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सुरक्षा और विकास और सवृद्धि ऑल इन द रीजन, क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में खासकर इंडियन रीजन, इंडियन ओशियन में। तो इस सागर वर्ड को ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी ये आइलैंड चर्चा में, आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश चर्चा में है, तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में बात करी गई थी। देखिए इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन के बारे में भी सवाल UPSC पूछ चुकी है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो इंडियन ओशियन के अराउंड जितनी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्री को छोड़ दीजिए जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, इन कंट्रीज के अलावा सभी कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और इसके अलावा जितनी भी समुद्री सुरक्षा है, मैरिटाइम सिक्योरिटी, उसको इंश्योर किया जा सके, इन चीज़ों पर फोकस करता है। UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था, तो पॉसिबिलिटीज फिर से हो सकती, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जब भी न्यूज़ में आए तो आप ज़रूर इनको देखें। और क्वेश्चन यहीं से पिकअप किए जाते हैं, कभी एक क्वेश्चन नहीं आते दिस वर्ड रिमेन समटाइम इन न्यूज़, कभी कभी ये समाचारों में रहने वाला, ये सब इस तरह के सवाल जो UPSC में होते हैं वो यहीं से पिकअप किए जाते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह के वर्ड से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे वीडियो असिस्टेंट रेफरी। देखिए UPSC मेंस में एक बार एक क्वेश्चन आया था डिसीजन रिव्यू सिस्टम पर, आपको अगर याद हो 2013 या 2014 में, एग्जैक्टली याद नहीं है, 2013-14 के आसपास है। तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम आप जानते होंगे जो क्रिकेट के अंदर रिव्यू लिया जाता है अंपायर के फैसले के विरुद्ध। ठीक है, तो इसी तरीके से फाइनली फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार एक लॉन्च किया जा रहा सिस्टम जिसको बोलते हैं वीडियो असिस्टेंट रेफरी। ये बेसिकली क्या करेगा, ये वीडियो सिस्टम है जो रिप्ले, जितने मतलब दोबारा देख सकते हैं चीज़ों को कि करेक्शंस क्या, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ताकि डिसीजन जो हो सही आ जाए, इसके बारे में न्यूज़ में है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम्स आते हैं ये लिख लेना आप ज़रूर, रेफरी क्योंकि कई गेम्स में हो सकते हैं, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार ये लॉन्च किया गया। इससे पहले हालांकि इसको दूसरे गेम्स में तो इंस्टॉल किया गया था फुटबॉल में, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार ये न्यूज़ में है। फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार, पहली चीज़ तो ये कि ये रशिया में हो रहा है,
और दूसरी बात ये कि यहाँ पर पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरेंस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जा रहा है, ये मतलब गजब की एक चीज़ है। और यूपीएससी इस तरह के वर्ड पिक कर सकती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो स्पोर्ट्स से नहीं करती, लेकिन स्पोर्ट्स में वो टेक्निकल वर्ड्स को ही पिक करती है मोस्टली। ऐसा गेम्स में नहीं कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए, मैं मॉनसून के बारे में अभी चर्चा में है, मॉनसून इन दिनों में आप जानते होंगे मॉनसून आई, और आप लोगों से एक सवाल है, मॉनसून पर ही सवाल बनता है कि हमारे यहाँ मॉनसून जो है स्टार्ट होते केरला से, ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि हम केरला से ही मॉनसून स्टार्ट होती है, और इसको साउथ वेस्ट ही क्यों बोला जाता है, दक्षिण पश्चिम ही क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन आप ढूंढ के निकालो कहीं से भी, आकाश से, पाताल से, लेकिन आपको इसको डेफिनेटली आंसर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट होती है कि लगभग 55 mm बारिश हो चुकी है अब तक इंडिया में, और ये 16% के अप्रोक्सीमेटली, मोर देन 60% जो इस समय यूजुअली होती है ओवरऑल, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर अभी भी 24% डेफिसिट देखने को मिल रहा है, यानी थोड़ी कमी 24% के आसपास कमी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तो आप जानते हो कई रीजन्स में, जैसे केरला है, मुंबई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम, त्रिपुरा, और खासकर इन रीजन्स में फ्लड, बाढ़ आई हुई है, तो इसकी वजह से आप जानते होंगे ह्यूमन प्रॉपर्टी पर भी नुकसान हुआ है, मानव पर नुकसान हुआ, और लाइफ स्टॉक जो पशु पक्षी होते हैं उन पर भी, यानी बायोडाइवर्सिटी पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और असम के अंदर काफ़ी नेशनल पार्क्स भी हैं, तो वहाँ पर असर जो है काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र और प्लस मानसून डबल जब मिल जाते हैं तब बड़ी भयानक सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है, तो लगभग बहुत से लोग मारे गए, और लाइटनिंग की वजह से ही मारे गए, आप जो आसमानी बिजली गिरती है उसकी वजह से भी, खासकर उत्तर प्रदेश और उस ईस्टर्न रीजन में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, इस रीजन में बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये इसी के बारे में है कि क्या लाइटनिंग लोकल फेनोमेना जो है, एक तरीके से लाइटनिंग जो होगी, इसके बारे में क्या हमारे पास कोई जानकारी है, क्या कोई टेक्नोलॉजी इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकती है, फोरकास्ट कर सकती है कि बिजली कब गिरेगी, इस तरह की टेक्नोलॉजी। इवन साइक्लोन को हमने अभी तक भी थोड़ा बहुत समझा जरूर है, लेकिन साइक्लोन कब कैसे आएगा इस बात की एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी नहीं है, उसी तरीके से लाइटनिंग की भी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर है तो प्लीज़ आप मेंशन जरूर करना, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक नॉलेज, इस लाइटनिंग के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम फोरकास्ट, क्योंकि ये इसीलिए बोला गया, इम्प्रूव करना पड़ेगा इस सिस्टम को, आइडिया लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ये एक चीज़ें हैं, ठीक है। तो बारिश के बारे में बोला गया कि बारिश इन दिनों जो यहाँ पर एल नीनो के बारे में बात की गई थी, एल नीनो कि कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ेगा, एल नीनो नहीं है जो एक तरीके से गर्म जल धारा है जो उसका नेगेटिव असर इंडिया पर पड़ता है, एल नीनो का पैसिफिक रीजन से, पेरू वाले उस रीजन से एक तरीके से गर्म जल धारा है जो उसका नेगेटिव असर पड़ता है। इसी प्रकार से ला नीनो होती है, ला नीनो का पॉजिटिव असर पड़ता है इंडिया की कंपेयर में, तो जहाँ एल नीनो से सूखा की स्थिति पैदा हो सकती है, वही ला नीनो से अपोजिट फ्लड्स भी आ सकती है, तो इस बारे में न्यूज है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तेलंगाना की एक योजना जो है फार्मर्स से रिलेटेड चर्चा में है, बस इस योजना को देखेंगे क्या कहाँ इसमें, क्योंकि ज्यादा नहीं है, यूपीएससी में स्टेट से रिलेटेड ज्यादा स्कीम्स नहीं पूछी जाती, बस एक इंफॉर्मेशन टाइप है। रायथू बंधु एक इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स स्कीम है फार्मर्स को, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसमें 14 लाख टिनेंट फार्मर्स को इसका बेनिफिट्स होगा। टिनेंट का मतलब जो ठेके पर लेते हैं ना कृषि, एक कुछ मतलब कुछ समय के लिए, मतलब एक साल के लिए लेते हैं, दो साल के लिए, वो ठेके पर एक तरीके से ये प्रथा होती है उस प्रकार की एग्रीकल्चर। तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि आपको सीड्स, बीज खरीदने में या फर्टिलाइजर खरीदने में या जितने और अदर इनपुट्स होते हैं खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स में, दोनों सिस्टम में 4,000 पर एकड़ जो है वो पैसे दिए जाएंगे। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्कीम इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ना चाहें तो इसको गो थ्रू विद इट, एंड जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें हम इस पेज में एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, वो है कोस्टा रिका से। इसमें आर्टिकल की हेडिंग है व्हाई मोदी शुड विजिट कोस्टा रिका,
द कंट्री हैज ए प्लान टू एलिमिनेट फॉसिल फ्यूल्स एंड इट्स वर्किंग, कि भारत में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को कोस्टारिका में जाने की आवश्यकता क्यों है और फॉसिल फ्यूल्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कंट्री का प्लान क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री को यात्राएं करना बड़ा पसंद है और यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर यूके, उज्बेकिस्तान, मोजाम्बिक, मंगोलिया तक वो घूम चुके हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि अगर हमें क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा ड्राइवन करने को आगे बढ़ाना है तो हमें आवश्यकता है कि हम कोस्टारिका से भी सीखें। अब कोस्टारिका से क्यों सीखें ये चीज़ समझने, भले ही कोस्टारिका जो है रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका एक छोटा सा कंट्री है मैप में और जो पनामा और निकारगुआ के कहीं बीच में स्थित है, छोटी सी कंट्री, और बेंगलुरु से आधी इसकी पॉपुलेशन है और TCS जो कंपनी है, टेक, एक इंडियन टेक कंपनी, उसकी अगर टोटल मार्केट वैल्यू देख लें तो उससे आधी इसकी GDP है, यानी बहुत सी छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन, और GDP बहुत कम है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी अचीवमेंट की। 1949 में इस कंट्री में लगभग 2000 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद इस कंट्री ने डिसाइड किया कि इसके सिटीजन्स को फ्री हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलेगी। 6.9% GDP का ये एजुकेशन पर खर्च करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे, इंडिया से लगभग 2 गुने से भी अधिक, ठीक है। और फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर यहाँ पर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, उसमें 66वें नंबर पर है ये, 66, और इंडिया है 131 पे। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर, एक छोटी सी कंट्री, वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने ग्रीन टैक्स लगाया, हरित कर जिसने इम्प्लीमेंट किया ताकि डिफॉरेस्टेशन को, जो वनीकरण, जो गैर वनीकरण होता है या वनों की जो कटाई होती है उसको काउंटर किया जा सके और चीज़ें लगाई जा सके। और यहाँ पर सिंगल यूज, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का यूज करना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है विश्व की सबसे हरित कंट्री होगी, ग्रीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ये होने वाली है। और कोस्टारिका के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वो 300 डेज के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर न केवल हाइड्रो, न केवल विंड एनर्जी, न केवल सोलर एनर्जी, बल्कि जियो थर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा के अंदर भी इस कंट्री को महारत हासिल है। और आपको यकीन नहीं होगा, 100% में से 98.6%, 100% में से 98.6% ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करता है, अपनी एनर्जी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जनरेट करता है। और 2020 तक ये कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा, एमिशन नहीं होगा और कोई भी ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कंट्री इसमें देखिए, और इसके पीछे रीजन बताया गया कि जो पिछले यहाँ के प्रेसिडेंट थे, सॉरी यहाँ के अभी जो प्रेसिडेंट हैं कार्लोस एल्वर्टो, और जो पिछले यहाँ के जर्नलिस्ट भी मानते हो, यहाँ एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीरो कार्बन का एक टारगेट जो था यहाँ पर, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एलिमिनेशन करना इस तरीके से 2021 तक इनका एक टारगेट था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी न्यूज़ मेरा चर्चा में था। भले ही ये छोटी सी कंट्री है लेकिन इसके जो टारगेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें सीधा चलते, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस बात पर हम बात करते हैं। देखिए, भारत चाहता है कि लगातार सोलर पावर एनर्जी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, परिवहन के जो साधन हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बिजली उत्पाद, बिजली से रिलेटेड जो चलने वाले व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ठीक है, नंबर वन। इसके अलावा सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट इंडिया है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर ठीक पोल्यूशन भी उतना ही लगातार बढ़ता जा रहा है। 7% प्लस GDP ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी रोड ट्रांसपोर्टेशन पर हमारी डिपेंडेबल बहुत ज़्यादा है और हम लोग $30 बिलियन जो है पर मंथ क्रूड ऑयल पर खर्च करते हैं, ठीक है। और दुनिया के 15 में से 13 पोल्यूटेड सिटीज इंडिया के अंदर। तो ये सारे रीजन है कि हमें आगे पढ़ना पड़ेगा इस सेक्टर में, ठीक है। तो ये बातें सारी बताई गई है,
यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारी पेरिस क्लाइमेट के तहत एग्रीमेंट के तहत कुछ लाइबिलिटीज़ है, कुछ जिम्मेदारी, उनको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चर्चा में हैं। तो हम देखेंगे लास्ट पेज पर, यहाँ पर एक न्यू, एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, एक स्टोरी टाइप में है कि मदर जो होती है उसका इम्पैक्ट बच्चे पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, कि मोम जो है या मम्मी एक केवल वर्ड नहीं है, कहीं ज़्यादा, ये एग्जैक्टली सही है, क्योंकि बच्चे का अट्रैक्शन जो है मम्मी के प्रति ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोसेस, एक तरीके से एक प्रोग्राम जो लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम है एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारसिस। सीधा समझ लीजिए, फिलारसिस जो होता है उसको समाप्त करने के लिए एक प्लान लॉन्च करने जा रहा है। फिलारसिस क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा हो पाँव बहुत सूज जाता है, ब्लड एक जगह सर्कुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जैसे चोट वगैरह लग जाती है बहुत सा ब्लड जो है वो बह जाता है, तो वो उससे रिलेटेड है कि एक मॉस्किटो बोरन पैरासिटिक डिजीज है, मच्छर से ये डिजीज होता है, और पैरासिटिक यानी परजीवी डिजीज एक तरीके से है। 1955 में गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया था कि नेशनल फिलारिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसको एलिमिनेट करने के लिए, और 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू किया गया था। और अभी सीन क्या है, लगभग 8.7 मिलियन केस इसके रिपोर्टेड किए गए, 29.4 मिलियन लोग जो है वो ये पता चला कि इसकी वजह से वो डिसेबल हैं, इसकी वजह से 650 मिलियन पीपल्स में ये रिस्क है कि इस तरह का डिजीज हो सकता है, और भारत के पास 2020 तक इसको एलिमिनेट करने की ग्लोबल लाइबिलिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका का डिस्कशन किया गया, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है हमारी पड़ोसी जिन्होंने इसको एलिमिनेट किया, इस डिजीज को समाप्त किया, तो हम वहाँ से भी सीख सकते हैं, और श्रीलंका कई सेक्टर्स में इंडिया से आगे, इसमें नो डाउट, और डेवलपमेंट के कई संकेतों में हमसे आगे है, खासकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कह सकते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ से हम सीख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें और कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। ये विटामिन डी आर्मर फॉर कैंसर के बारे में बातचीत है, और इसमें जस्ट एक रिपोर्ट है, स्टडी है कि यूएस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि जो पोस्ट मैन पोजुअल वुमेन होती है, फॉर एग्जांपल जिन वुमेन्स की एक पीरियड जो होते हैं, मेंस्ट्रुएशनल एज जो होती समाप्त हो जाती है, उसके बाद विटामिन डी का की कमी या खतरा बढ़ता है, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर जो है उनका एक रीजन बनता है। तो ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज़ थी, तो ये स्टडी है यूएस की। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आएगा, मज़ा आएगा, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज़ रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद।